नमस्कार जगन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ नितिन राजपूत। अभी हम खड़े हैं सुभाष नगर एरिया में और आप मेरे पीछे ये दुकानें देख सकते हैं। दो दुकानें, एक है भगवती ऑर्नामेंट्स और एक ब्यूटी पार्लर है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर मालिकों द्वारा जो है ये दुकानें तोड़ दी गई जबरदस्ती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये तो आप देख सकते हैं दुकान किस तरह से जो है तोड़ी गई है। कुछ लोग हैं माता पास में, लेकिन आपके पास कैसे पुलिस ने लेकर दिया, पुलिस ने लेकर दिया, पुलिस ने लेकर दिया फोन, पुलिस ने लेकर दिया और मुझे मारा भी ना। 60 लाख का चप्पल बनता है, मतलब कैसे सुपान हमने कहा भी खाली इनको 5 बार ऐसे कहा, क्या इन्होंने प्यार से कहा, ऐसे कहा इनको 5 बार, 10 साल बोलेंगे ना दुकान खाली करो। अगर उन्होंने लेंटर ऊपर किया इनकी रजामंदी से, क्या इन्होंने सिंपल बोला हम 5 साल छोड़ के जैसे दुकान रेडी होगी हम तीनों दुकानें आप इन लोगों को ही देंगे, ये कहते हमने नहीं देनी। इन्होंने इन दोनों को भी अपने साथ अटैच किया और जाके थाने में पर्चा दिया इनके खिलाफ, वो किसने इसमें दिया, तीनों को पर्चा दिया, कुछ नहीं कर सकते ये दुकान हमारे खिलाफ। हम बहने हम अपने भाइयों को सपोर्ट करने हैं, हम अंदर बैठे हैं, हमने इनको पूछा आप अंकल सुना रहे हो तो हमें बताओ हमने गहने बनाए, मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, मैंने सारा सामान घर पे रखा है, दुकान रिपेयरिंग करवा रहा हूँ इसलिए मैंने सामान घर पे रखा है, आपको कॉपी दे देता हूँ और कॉपी में आपको बता देता हूँ। इन्होंने हमें कॉपी दी, कॉपी दिखाने के पीछे अपने दांत दिखाने लगने स्टार्ट हो गए। क्लोज है रंद है।
आपने इनको कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं दिया, हमने इनको मेरे को एक चीज बताइए, जब हमने इनको ऑलरेडी वर्बली कितनी बार इंटीमेट किया इनको, इन्होंने इनके खिलाफ जाके थाने में पर्चा दिया, वो कौन सा राइट है? आपकी दुकान है, आपने इनको दिया है 10-15 साल के लिए, आप इनको बोले खाली कर दो, ठीक है? ये अगर खाली करने के बजाय आपकी तरफ पर्चा दे तो आपके हमें अपनी दुकानें खाली चाहिए, हमारी दुकान है, हम कोर्ट का ऑर्डर इनको नोटिस क्यों भेजे? तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, आगे की अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ।